हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से खबरें अभी तक ने खास बातचीत की है। पंचकुला में महिला और बाल विकास सुरक्षा कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ बोले हैं ज्ञानचंद गुप्ता, सुनवाते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर पंचकुला में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें किस प्रकार से सरकार ने काम किए इस बारे में जहां जानकारी दी, तो वहीं महिला सुरक्षा को लेकर के लोगों को जागरूक करने के बारे में भी बताया गया है। हरियाणा पुलिस की तरफ से पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और हमारे साथ स्पीकर मौजूद हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनसे जानते हैं किस तरीके से आप देखते हैं महिला सुरक्षा को लेकर के। एक तरफ ये बताया जाता है कि जो पुलिसिंग का जो आंकड़ा है जो FIR दर्ज करने की वजह से इस अपराध में बढ़ा है, दूसरी तरफ जागरूकता की आवश्यकता है, किस तरीके से? देखिए, ये राष्ट्रीय जो महिला ना पुलिस फाउंडेशन है उसकी तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर कहाँ कहाँ क्या क्या किया जा सकता है उसको लेकर के एक सेमिनार 2 दिवसीय यहाँ पंचकुला में आयोजित किया गया। उसमें आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने पुलिस के द्वारा हरियाणा प्रदेश में जो कदम उठाए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे वो महिला थाने हैं, चाहे वो दुर्गा शक्ति ऐप है या पुलिस के अंदर महिलाओं की भर्ती है, इन ऐसे कदम जो उठाए गए हैं उनके बारे में बताया कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो महिलाएँ हैं, बेटियाँ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित हों। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर विचार विमर्श कल 2 दिन से चल रहा है। इसमें से जो भी अच्छी चीज़ें निकल करके आएंगी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, वो सरकार उनके ऊपर अमल करेगी। DGP मनोज यादव जी ने भी कहा कि कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी वजह से स्पीकर साहब यहाँ हैं, तो उन्हें आगे कानून बनाने में शायद हम नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, कानून तो सरकार बनाती है और उसमें जो, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए उनके दिशा निर्देश के अंदर जो सरकार चाहेगी वो असेंबली के अंदर हम तय करेंगे। जी, 12 साल से कम की जो बच्चियां हैं उनके रेप का कानून भी हरियाणा ने बनाया, साथ में लिंग अनुपात में हरियाणा जो है किस तरीके से आगे, सारे सुधार हुए हैं। एक नहीं, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश में अनेकों सुधार हुए हैं और आज मैं समझता हूँ कि बेटियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। जो केस दर्ज किए गए हैं वो महज आंकड़े की वजह से इस तरीके की छवि बनती है हरियाणा की? देखिए, पहली बार ऑनलाइन जो FIR है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू हुई है। जब से ऑनलाइन FIR का ये काम शुरू हुआ है तब से लोगों को शायद आंकड़ों के अंदर वृद्धि होगी, लेकिन जो अपराध हैं उनके अंदर कमी आई है। पहले बहुत सारे केसेस ऐसे होते थे जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते थे, कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं होती थी, आज ऑनलाइन FIR है तो मैं समझता हूँ कि उसके कारण लगता है कि थोड़ा बहुत वृद्धि आंकड़ों के अंदर हुई है, लेकिन क्राइम रेट जो है वो कम हुआ है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर आंकड़ा भले ही बढ़ा हो जिस तरीके से FIR दर्ज की जाती है उसको लेकर के, लेकिन स्पीकर साहब का ये कहना है कि क्राइम रेट इससे कम होगा क्योंकि ऑनलाइन FIR है और इस तरीके की सुविधा के बाद इस तरीके के आंकड़े में इजाफा होता है, जो कि महिला को लेकर के अपराध की जो FIR की जाती है उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नज़र आता है।